हेलो एंड वेलकम माय नेम इज़ राज केवलानी एंड आई एम फ्रॉम वीजे टुडे आई वुड लाइक टू अनवील सैंपल फ्लैट ऑफ यशविन सुपरनोवा सो दिस इज टू बी एच के ऑफ सेवन ट्वेंटी सिक्स स्क्वायर फीट ऑफ कारपेट एरिया लेट गेट स्टार्टेड सो ये अपार्टमेंट के बाहर का स्पेस है जहाँ पे आपको सेट आउट मिल जाता है जब भी हम घर के अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं तो हमको शू पहनने के लिए या फ्रूट्स वेजिटेबल्स या कोई सामान बाहर से शॉपिंग के लिए लेके आते हैं तो कोई स्पेस चाहिए होती है जहाँ पर हम रख के और बैठ के अपार्टमेंट का डोर खोल सकते हैं सो दिस इज़ द स्पेस प्रोवाइडेड बाय बीजे एंड एंट्रेंस में हमको वीडियो डोर फोन मिल जाता है जहाँ पे कोई भी गेस्ट आता है तो आप अपार्टमेंट का दरवाज़ा ना खोले हुए अंदर से उनका फेस देख के फिर आप एंट्रेंस खोल सकते हैं। एंड दिस इज योर हुक्स फॉर तोरन तोरन के लिए हुक्स ऑलरेडी दे रखे हैं अपार्टमेंट के अंदर आते ही हमको एक फॉयर एरिया मिल जाता है जो कि प्राइवेट लॉबी है जिसमें कोई भी डिलीवरी बॉय कोई भी गेस्ट आता है तो उनको अपार्टमेंट के अंदर का स्पेस नहीं दिखाई देता है आपके घर की प्राइवेसी मेंटेन रहती है और यहाँ पे आप शू रैक भी रख सकते हैं सो दिस इज़ मेन एंट्रेंस एंड अपार्टमेंट एरिया जहाँ पे आपको एक हॉल मिल जाता है स्पेशियस यहाँ पे लिविंग स्पेस है एंड डाइनिंग स्पेस है सो लिविंग स्पेस में आप इजीली सिक्स सीटर सोफ़ा लगा सकते हैं एंड सोफ़ा के सामने में आपका टीवी का पॉइंट आ जाता है एंड यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है सो so, डाइनिंग में भी देखेंगे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है सोफा एंड डाइनिंग टेबल रखने के बाद आपको अपार्टमेंट का सेंटर का स्पेस वॉकिंग के लिए काफ़ी अच्छा मिल जाता है एंड ये अपार्टमेंट का मेन हार्ट है जिसको हम पूजा स्पेस बोलते हैं सो so, यहाँ पे आप चाहें तो ईजिली आपका पूजा सेटअप कर सकते हैं प्लस अगर आप चाहें तो इसको स्टडी टेबल भी बना सकते हैं ऊपर में एक विंडो दे रखी है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बिकॉज यहाँ पे टेरेस का एक स्लाइडिंग डोर दे रखा है टेरेस के सारे ही स्लाइडिंग डोर हमने यशविन सुपर में एट फीट के दे रखे हैं एंड ये स्लाइडिंग है तो आपको पीछे पे स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है ये काफ़ी ही प्रीमियम एरिया है आपके अपार्टमेंट का दिस इज़ कवर्ड सिट आउट सो so, यहाँ पे आप चाहें तो मॉर्निंग का योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज के लिए ये स्पेस यूज कर सकते हैं इवन टी कॉफ़ी मॉर्निंग का आप चाहें तो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं चेयर टेबल्स लगा के यहाँ पे ग्रेनाइट का लेज भी दे रखा है जहाँ पर आपकी इजीली कॉफ़ी कप्स रख सकते हैं एंड ग्लास हाइट लॉन्ग हाइटेड ग्लास रेलिंग दे रखा है प्लस ये फोर फीट का रेलिंग है जिसमें किड्स का सेफ्टी भी मिलता है एंड सामने से आपको वाकड़ के हिली व्यूज़ मिल जाते हैं इजीली कवर सिट आउट होने से आपका यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो प्राइवेट रहता है सेफ रहता है एंड नो बडी कैन पीप फ्रॉम अपस्टेर यहाँ पे भी आप चाहें तो पेट एरिया बना सकते हैं अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा कोजी कॉर्नर टेरेस में आपको मिल जाता है सो so, टेरेस के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ किचन में सो किचन इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अपार्टमेंट सो किचन में अगर आप देखते हैं हमने यहाँ पे डबल प्लेटफॉर्म दे रखा है सो so, एक प्लेटफॉर्म है आपका कुकिंग के लिए दूसरा है सर्विंग के लिए और एनक्लोज रै बैल्किनी में भी हमने आपको सिंक दे रखा है सो देर आर टू सिंक सो वन इज फॉर यूटेंसिल वॉशिंग अनदर इज़ फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वॉशिंग इवन राय बैल्किनी में हमने विंडो दे रखी है काफ़ी अच्छा बड़ा विंडो है एयर सर्कुलेशन एंड लाइट वेंटिलेशन के लिए अभी इसको एनक्लोज बैल्कनी इसलिए किया गया है रीजन आपके किचन में बहुत ही uh, एक्सपेंसिव गैजेट्स होते हैं जैसे कि डिश वॉशर हो गया वॉशिंग मशीन हो गया सो वो मानसून के टाइम में अगर आप ड्राई बैल्किनी में रखते हैं तो बारिश की वजह से खराब हो जाता है सो अभी एनक्लोज होने से कितना भी बारिश आने दीजिए ये किचन का ड्राई बैल्कि आपका सेफ रहेगा एंड एयर ही रहेगा क्योंकि विंडो दे रखा है मेड भी अगर काम कर रही है तो यहाँ पर बर्तन धोने के बाद उनको स्पेस मिल रहा है बर्तन सुखाने का एंड इवन यहाँ पर आपको जो भी आपका वॉशिंग मशीन आपका डिश वॉशर चाहिए तो ईजीली स्पेस दे रखिए आप लगा सकते हैं सर्विंग प्लेटफॉर्म में हमने यहाँ पे मिक्सर का यहाँ पे आपको माइक्रोवेव का इधर में रेफ्रिजरेटर का प्रोविज़न दे दिया है एंड हॉब के सामने आपको एक बड़ा विंडो दे रखा है जिसमें प्रोविज़न है एग्जॉस्ट का आप चाहे तो चिमनी लगाइए आप चाहे तो नहीं लगाइए आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा एयर सर्कुलेशन भी मिलता है एज वेल एज किचन के अंदर नेचुरल सनलाइट भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है बिकॉज दो विंडोज हैं सो so किचन में कहीं पे भी वेस्टेज नहीं होने दिया है और स्टोरेज का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है नीचे में भी आपका काफी अच्छा स्टोरेज है और आप चाहें तो ऊपर वॉल पे भी स्टोरेज बना सकते हैं हॉल में आपको एसी के लिए प्रोविजन दे रखे हैं क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दो ओपनिंग्स दे रखे हैं वीडियो डोर फोन का आपको स्क्रीन यहां पे आ जाता है कोई भी बाहर से गेस्ट आता है तो यू कैन सी इट फर्स्ट एंड देन ओपन द डोर अभी मैं आपको लेके चलता हूँ पैसेज पे सो so, पैसेज में कहीं पे भी वेस्टेज नहीं होने दिया है आधे इंच का भी कारपेट पूरे अपार्टमेंट में आपको कहीं पे भी वेस्टेज नहीं देखा दिखेगा बाहर की साइड में हमने बेसिन काउंटर दिया है एंड अंदर की साइड में हमने बाथरूम दिया है सो दैट इवन आप खाना खाने के बाद डाइनिंग एरिया से आते हैं तो आपको बार बार बाथरूम का दरवाजा नहीं खोलना पड़ेगा हाथ धोने के लिए क्योंकि बेसिन बाहर ही दे रखा है एंड फिट आउट सी पी एंड सैनिटरी सारे इटालियन कलेक्शन के आपको मिल जाते हैं मैं आपको पहले कॉमन बाथरूम में लेके चलता हूँ सो कॉमन बाथरूम भी काफ़ी स्पेशियस है फॉर अ सिंगल पर्सन बाथरूम का साइज डिसेंट है फंक्शनल है यहाँ पे आपको विंडो दे रखा है वॉल हैंग कमोड दे रखे हैं वॉल हैंग स्पाउट हेल्थ फॉसेट फिट आउट सारे वॉल हैंग मिलेंगे फ्लोर पे आपको कोई भी कमोड या फिटिंग नहीं मिलेगा बिकॉज आपको क्लीनिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादातर फ्लोर पे कमोड रहने से आपको प्रॉब्लम आती है क्लीनिंग में रेन शावर दे रखा है गीजर के लिए प्रोविजन दे रखा है एंड बाथरूम में आपको सारे टाइल्स जो दिखेंगे डेडो लेवल तक काफ़ी रिच कलर यूज़ किया है पैटर्न काफ़ी डिसेंट यूज किए हैं इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं तो हम बोर्ड नहीं होंगे तो क्योंकि कलर सारे सटल है प्रीमियम में रिच है पैसेज में आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमने लॉफ्ट भी दे रखा है सो so, लॉफ्ट आपको इन्वर्टर बैकअप हम प्रोवाइड कर रहे हैं बैटरी हम आपको इसके साथ प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस आपके घर में जो सेंटर वाईफाई राउटर रहता है वो आप लॉफ्ट में इजीली फिट कर सकते हैं आपकी जो भी वायरिंग्स रहती है लॉफ्ट के अंदर छुप जाएंगी अपार्टमेंट के अंदर नहीं दिखेगी ये सेंटर ऑफ द अपार्टमेंट है इसलिए वाईफाई राउटर का प्रोविज़न भी सेंटर में किया गया है ताकि आपके सारे रूम्स बाथरूम टेरेसिस में आपको सेम रेंज मिलेगा इंटरनेट का दिस इज चिल्ड्रेंस रूम सो किड्स रूम भी अगर आप देखते हैं सारे के सारे रूम में बेस्ट पार्ट है कि लॉफ्ट का स्पेस दे रखा है डेवलपर ने यहाँ पे आपका स्टोरेज आ जाएगा वार्ड्रॉप की जगह हर रूम में अलग से दे रखी है वार्ड्रोव फिट इजीली अंदर हो जाएगा लॉन्ग हाइटेड फ्लोर टू सील आप वार्ड्रॉप लगा सकते हैं काफी अच्छा स्पेस आपको कपड़े रखने का मिल जाता है प्लस ये सबसे बेस्ट पार्ट है अपार्टमेंट का और रूम का क्योंकि यहाँ पे आपको चेयर डालने की जरूरत नहीं है स्टोन लेच का सेट आउट ग्रेनाइट लेच का मिल जाता है आपको विथ कम्स विद द टेरिस व्यू जो आपको गार्डन का मिलता है एज वेल एज आपको हिल का मिलता है एंड किड सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पे एक रेलिंग भी लगा के दी है एंड बेड जब आपका सेंटर में आएगा तो वॉड्रोप बीच में नहीं आएगा क्योंकि वार्ड्रोप जो है अंदर फिट इन हो गया है यहाँ से वॉल से हमने फ्लश कर दिया है एंड बेड आपका एकदम सेंटर पोजिशन पे आता है एंड हर रूम में यहाँ पे यशविन सुपरनोवा में हमने दो विंडोज दे रखी है सो so, इससे आपके घर में क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा एयर सर्कुलेशन अच्छा आएगा और नेचुरल डे टाइम में सनलाइट आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है सो so, जितने भी अपार्टमेंट्स के मेन डोर्स हैं वो हमने वुडन फ्रेम्स में रखे हैं और जितने भी अपार्टमेंट के बाथरूम डोर्स हैं वो हमने ग्रेनाइट की फ्रेम्स में रखे हैं सो नाउ आई विल टेक यू टू द मास्टर बेडरूम ऑफ टू बी सो मास्टर बेडरूम का सबसे बेस्ट पार्ट आपको मिलता है बैल्कनी टेरेस सो so, यहाँ पे आप इजीली अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं सो so, दो लोग अगर यहाँ पे खड़े रहते हैं या यहाँ पे बैठते हैं तो इजीली अच्छी खासी उनको स्पेस मिल जाती है और वो एंजॉय कर सकते हैं नेचर का हिल का व्यू आराम से एंड मास्टर बेडरूम का दूसरा पार्ट है वाड्रॉप स्पेस सो वॉड्रॉप अगेन आपका फिट हो जाएगा सेपरेटली अदर देन द बेड स्पेस है ये सो so, यहाँ पे आप लॉन्ग हाइटेड वाड्रॉप यूज कर सकते हैं लॉफ्ट हर रूम में दे रखा है आपका स्टोरेज जो हम फेस्टिवल में कपड़े पहनते हैं या सीजनली पहनते हैं आप यहाँ पे इजीली सूट में इसमें डाल के स्टोर कर सकते हैं हिडन हो जाएंगे एंड बेड का पोजीशन किसी भी रूम में आपको नॉर्थ में हेड नहीं आएगा जिसकी वजह से वास्तु का काफी अच्छे से आपको ध्यान रखा गया है इस अपार्टमेंट के अंदर एंड सारे ही बेड के हेड के अपोजिट पोजिशन पर हमने टीवी के प्रोविजन दे रखे हैं हमने मल्टी डी टू एच यूज किया है ताकि आपको अम्ब्रेला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी टाटा स्काई में जो हम लगाते हैं सेंट्रली मल्टी डी टू एच हमने लगा के दिया है इसके अलावा हमने एसी के आउटडोर रखने के लिए लेजेस बाहर दिए सो so दैट आपके टेरेस की स्पेस वेस्ट नहीं होगी ए का लेज हमने बैक साइड डक्ट में दे रखा है ताकि बिल्डिंग का एलिवेशन भी उससे ख़राब नहीं दिखेगा सो so मास्टर के दोनों ही बेड के साइड में हमने चार्जिंग का पॉइंट दे रखा है एंड एक साइड में हमने आपको यूएस पॉइंट भी दे रखा है मास्टर में आपको ए का पॉइंट भी दे रखा है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपको दो ओपनिंग्स आएंगी एक रहेगा आपका टेरेस दूसरा रहेगा आपका विंडो तो आइए में अभी मैं आपको मास्टर टॉयलेट की तरफ लेके चलता हूँ मास्टर टॉयलेट में आपको बेसिन के लिए ग्रेनाइट का लेज दे रखा है सो so, यहाँ पे आपका कैंडल्स टॉयलेटरीज सोप्स परफ्यूम इजीली रख सकते हैं इवन शेवर के लिए भी पॉइंट दे रखा है सामने वाली वॉल पे आपका मिरर का प्रोविजन भी दे रखा है एज वी डिस्कस फिटिंग सारे ही वॉल माउंट फ्लोर पे आपको कोई भी फिटिंग नहीं दिखेगा क्लीनिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी और स्टेप डाउन दे रखा है जिसमें आपको शावर एरिया में पूरा वेट स्पेस वेट एरिया रहेगा एंड कमोड एरिया में ड्राई एरिया रहेगा रेन शावर हमने हर बाथरूम में दे रखा है मास्टर बाथरूम में आपको सोलर का हॉट वाटर प्रोविज़न भी मिल जाता है विंडो में आपको एग्जॉस्ट का प्रोविज़न भी मिल जाता है सो so, बाथरूम के सारे ही डोर फ्रेम्स आपको ग्रेनाइट के आएंगे एंड रूम्स के सारे ही डोर फ्रेम्स आपको वुडन के आएंगे और जितने भी डोर के फ्रेम्स हैं उस पर हमने रबर मैटिंग का प्रोविज़न कर रखा है यहाँ पे पुणे में क्रॉस वेंटिलेशन जैसे आपने देखा है हवा बहुत तेज आती है सो so, अगर आपका दरवाज़ा ऑटोमेटिकली भी बंद होता है सो रबर मैट की वजह से अभी आपको नॉइज का प्रॉब्लम नहीं आएगा घर में कोई सो रहा है इवन छोटे किड्स रहते हैं टॉर्डलर्ट रहते हैं तो वो डरेंगे नहीं बिकॉज ऑफ रबर मैट से आपका नॉइज कैंसिलेशन हो जाता है जब दरवाजा बैंक करते हैं तो सो आई होप यू लाइक द सैंपल टूअर ऑफ टू बी एच के यशविन सुपर नोवा इफ यू रियली वॉन्ट टू मेक दिस अपार्टमेंट योर देन प्लीज कॉल अस इमीजिएटली बिकॉज देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल थैंक यू सो मच और इसका प्राइसिंग मैं आपको डिस्क्लोज करना चाहता हूं टू बी एच के का प्राइसिंग है वाकर सिटी सेंटर में सेवेंटी लैक्स से लेके सेवेंटी फाइव लैक रुपीज ऑल इंक्लूसिव थैंक यू सो मच